टर्नरी फेज एग्जाम में तुमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है टर्नरी विद यूटेक्टिक सिस्टम, विद पेरिटेक्टिक सिस्टम एंड द सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी चीजें पढ़नी है हमें बस। डायग्राम देखे घबराना नहीं है, ठीक है, देखने में बस थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन मैं है नहीं। चलो, टर्नरी यूटेक्टिक सिस्टम, लेट्स सी। ये जो डायग्राम है इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग फ्रॉम अबव। ठीक है, इस चीज को ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर तीन बाइनरी है डायग्राम्स। वन इज दिस बाइनरी डायग्राम, तीन एजेस है इसके, ठीक है। ये यूटेक्टिक दिख रहा है कि नहीं माधुरी? यहां पर यूटेक्टिक दिख रहा है एवरीवन, जो कि डायऑक्साइड और एनोर्थाइट यूटेक्टिक है, ठीक है। डायऑक्साइड और फॉस्टराइट एक और यूटेक्टिक डायग्राम है, वो ये है जो ब्लू में है, ठीक है। और एनोर्थाइट और फॉस्टराइट एक और यूटेक्टिक है, दैट इज दिस, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, ये एम, ये पॉइंट देखो, ये और नीचे गया है, ठीक है। दिस इज द टर्नरी यूटेक्टिक, जो कि ये पॉइंट है एम, ठीक है। ये देखो एम है तो ये पॉइंट है, ठीक है। इस एक ये एक लो पॉइंट है, ठीक है, ये एक लो पॉइंट है और ये एक लो पॉइंट है, ठीक है। इनको एक्सटेंड करोगे आगे, है ना, इसको एक्सटेंड करो आगे और इस जस्ट इस पॉइंट से एक्सटेंड करो इसे आगे, तो ये तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्लोपिंग है, ठीक है, देख रहे, एक हिल की तरह है, ठीक है। ये अपने हिल का सबसे टॉप है, ये अपने हिल का सबसे टॉप है और ये अपने हिल का सबसे टॉप है, ठीक है। और ये स्लोप कर रहा है, देखो यहां से यहां तक ऐसे ऐसे स्लोप कर रहा है, ये स्लोपिंग सरफेस है, ठीक है। मतलब कि अगर यहां पर देखोगे तो यहां पे हाइट सबसे ज्यादा है और यहां पर सबसे कम है, समझ में आ रहा है कि नहीं? विजुअलाइज कर रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो क्या दिखेगा? अगर ऊपर से देखोगे तो ये जो यूटेक्टिक है वो ये पॉइंट है कि नहीं है? हाँ ना एवरीवन, इफ यू आर लुकिंग जस्ट बिलो द टेम्परेचर एक्सिस, जस्ट बिलो द टेम्परेचर एक्सिस, दिस यूटेक्टिक एंड दिस यूटेक्टिक एंड दिस यूटेक्टिक आर दिस दिस एंड दिस पॉइंट, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एवरीवन? हाँ या ना बोलो, तो नहीं दिख रहा है तो बताओ, शीतल सोनाई सब कुछ दिख रहा है ना? चलो ठीक है, ठीक है। तो अब ये स्लोप कर रहे हैं और ये जो पार्ट है ये यहां से भी स्लोप होते हुए आ रहे हैं और यहां से भी स्लोप होते आ रहे हैं, तो एक वैली की तरफ ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? दिस लाइक अ वैली, है ना, ये पार्ट भी वैली की तरह लग रहा है ना, और ये पार्ट भी एक वैली की तरह लग रहा है एकदम, है ना। तो दिस दीज आर द वैलीज, हाँ, यू कैन कॉल द डिप्रेशन, ठीक है, वैली इज ए डिप्रेशन, ठीक है। दीज दीज लाइंस आर कॉल्ड
और कर्व्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड। दीज लाइंस आर कॉल्ड कोटेक्टिक कर्व्स। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है? बाइनरी यूटेक्टिक है। ठीक है, एंड दिस एम पॉइंट इज कॉल्ड दी टर्नरी यूटेक्टिक। ठीक है, और ये सब जो है दिस ऑल स्पेस, ये बताओ क्या है? नहीं, टाइलाइन तो बनाई नहीं अभी, और टाइलाइन कहाँ दिख रही है अभी? आइसोथर्मल लाइंस तो हैं, ठीक है, बनी हुई है। मैं इस पूरे फील्ड की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट फील्ड। ये पूरे फील्ड की बात कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? होगा क्या? देखो ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? ये और ये और ये और ये, नहीं, लाइन, ये लाइंस बताओ क्या है? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन क्या बोलते हैं बाइनरी डायग्राम्स में, इनको क्या बोलते हैं? लिक्विड एज, सॉलिड एज नहीं है, ये लिक्विड एज है, सॉलिड एज ये है। ठीक है, तो अब देखो वही तो है ना, मतलब कि ये लिक्विड एज हुआ, ये भी लिक्विड एज हुआ, है कि नहीं? ये भी लिक्विड एज लाइन है और ये भी लिक्विड एज लाइन है, ऊपर से देख रहे हो ना, ऐसा ही दिखेगा ना एकदम। ये भी लिक्विड एज लाइन है, ये भी लिक्विड एज लाइन है ना? तो ये जो है ना, दिस इज लिक्विड एज सरफेस। ठीक है, लिक्विड एज लाइन को कंबाइन करके एक एक सरफेस बना दिया गया। ठीक है, दिस टू डायमेंशन, और यू कैन से दैट द लिक्विड एज पार्ट वेयर द लिक्विड विल मूव इज अ लाइन इन द बाइनरी सिस्टम एंड इट इज अ सरफेस इन द टर्नरी सिस्टम। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? अभी पूरा पिक्चर बन गया कि नहीं इसका, टर्नरी डायग्राम का? चलो ठीक ठीक है, एक एक पॉइंट सबका, वी कैन सी व्हाट आर द पॉइंट्स। ठीक है, लेट्स सी। तो एक कौन सा सिस्टम है? इट इज डायऑक्साइड, एनोर्थाइट एंड फॉस्फेट सिस्टम। ठीक है, सारे आपस में व्हाट दे शो? दे शो यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होगा, लेट्स सी। अब बल्क कॉम्पोजिशन कुछ भी लेते हैं, देन व्हाट इज द पाथ ऑफ द लिक्विड, और यू कैन से द लिक्विड लाइन ऑफ डिसेंट। ठीक, व्हाट एवर द पाथ विल द लिक्विड विल फॉलो इज कॉल्ड द लिक्विड लाइन ऑफ डिसेंट। ठीक है, नॉर्मली क्या यूटेक्टिक में ये था यूटेक्टिक, तो कुछ होता था ऐसे, यहां पर बल्क कॉम्पोजिशन है तो ये पाथ फॉलो कर रहा है ना, ये बल्क कॉम्पोजिशन है यहां पे तो ये पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पाथ फॉलो करेगा उसको क्या बोलते हैं? द लिक्विड लाइन ऑफ डिसेंट। तो हमने क्या किया, ये बल्क कॉम्पोजिशन ले लिया। ठीक है, दिस इज ए, वी स्टार्ट विद ए। अब क्या है, इस पॉइंट पे द फॉस्टराइट विल बिगिन टू क्रिस्टलाइज। ठीक है, मे बी हम बल्क कॉम्पोजिशन कुछ और लेते तो वो किसी और टाइम पे क्रिस्टलाइज करता, राइट? क्योंकि कॉम्पोजिशन से इफेक्ट पड़ेगा ना सब सब हर चीज।
चल, तो हमने ये कॉम्पोजिशन लिया तो वो इसी पॉइंट से क्रिस्टलाइज करना शुरू करेगा। ठीक है, पेरेंट डायग्राम में ऐसे होता है, जो हम कॉम्पोजिशन लेंगे इट विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज एट दैट पॉइंट ओनली। ठीक है, तो मतलब कि इससे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर कुछ और क्रिस्टलाइज नहीं करेगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी लिक्विड। तो इस पॉइंट पे जस्ट लिक्विड है, और जरा सा आगे बढ़ोगे जरा सही तो व्हाट विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज, फॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेराइट फील्ड में है ना, फॉस्फेराइट फील्ड में, राइट, इट इज सेपरेटेड बाय द कोटेक्टिक्स, ऑल द लिक्विड सरफेस आर सेपरेटेड बाय कोटेक्टिक्स, और ये फॉस्फेराइट विल बिगिन टू क्रिस्टलाइज, और फिर ये एक पाथ पे मूव करेगा, एक पाथ पे मूव करेगा विच विल बी द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द फॉस्फेराइट कॉर्नर एंड द बल्क कंपोजिशन। हाँ, यस, अवे फ्रॉम द फॉस्फेराइट बिकॉज द टेम्परेचर आर मार्क्ड। ठीक है, देखो इसको क्या कहते हैं, आइसोथर्मल लाइन से ये सब। आइसोथर्मल लाइन भाई, लिक्विड उधर क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं ना, वी वॉन्ट द क्रिस्टलाइजेशन टू टेक प्लेस। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा जब व्हेन वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा, टेम्परेचर तो इसी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, देखो दिख रहा है 1800, 1700, 1600, 1500, 1400 है ना, तो विल द कॉम्पोजिशन विल मूव अवे फ्रॉम द फॉस्फेराइट कॉर्नर जस्ट एज स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके तो ये बात होगा। ठीक है, तो ये जाकर फाइनली कहां पे कनेक्ट हो रहे हैं, इधर, दैट इज द कोटेक्टिक बिटवीन द डायोक्साइड एंड द फॉस्फेराइट। ठीक है, अगर बल्क कंपोजिशन यहां होता, अगर बल्क कंपोजिशन यहां पे होता तो ऐसे मूव करते, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता, ये जाके कहां मिलता, इट वुड हैव मेट दिस कॉर्नर, मतलब आई मीन दिस कोटेक्टिक कर्व है ना, जो कि एनोर्थाइट कॉर्नर है, तो यहां पे जब है तो जब वो यहां पे जाएगा, और वेन इट विल मीट दिस कोटेक्टिक कर्व, देन डायऑक्साइड विल बिगिन टू क्रिस्टलाइज, एंड इफ दिस इज द बल्क कंपोजिशन एंड वी मूव हेयर, देन आफ्टर फॉस्फेराइट व्हाट विल क्रिस्टलाइज, एनोर्थाइट विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड व्हिच इज फॉर्मिंग एट ईच इंस्टेंट। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ लिक्विड है, ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ लिक्विड है और ये परसेंटेज ऑफ सॉलिड है, तो वी कैन से दैट दिस इज द टाई लाइन। ओके, तो अभी तो पहले देखते हैं कि रिएक्शन क्या हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर जस्ट एज इट स्टार्ट्स टू मूव रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, मूव कर रहे हैं है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, मूव कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा क्या, रिएक्शन क्या होगा एक बार लिख के बता दो,
रिएक्शन क्या होगा अगर ए से स्टार्ट मूव, व्हेन वी स्टार्ट टू मूव एंड व्हेन फॉस्फोराइट इज बिगिनिंग टू क्रिस्टलाइज, व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस? एक कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन हुआ, राइट? रिएक्शन होगा क्या? सही है, एकदम सही बात है, यही होगा। माधुरी समझ में आ रहा है कि नहीं? रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन गोइंग ऑन? लिक्विड वन, विच इज द लिक्विड दिस पॉइंट, ठीक है, ये क्या होगा? फॉस्फेराइट प्लस लिक्विड टू। माधुरी ये रिएक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? चलो तो फिर क्या है, ये लिक्विड आगे बढ़ेगा, ठीक है, एट दिस पॉइंट, हाँ एफओ फील्ड है। तो अब बताओ यहां पर, इस पॉइंट में बताओ, इस पॉइंट पर व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम? जल्दी से बताओ, एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ अच्छा, इधर ठीक है, होगा है ना, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 3 हो जाएगा है ना, क्योंकि अभी तो क्रिस्टलाइज करने नहीं शुरू किया एफओ है ना, तो इस पॉइंट के, इस पॉइंट पे जस्ट, या फिर कह सकते हो इसके आगे देर आर टू फेजेस और यहां पर वन फेज है अभी, ठीक है। चलो अब ये यहां से यहां पे मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, एंड एज इट टचेस द कोटेक्टिक एट पॉइंट बी, ओनली लिक्विड बिफोर ए, ठीक है, एज सून एज इट टचेस द लिक्विड बी, मतलब आई मीन द पॉइंट बी, डाइऑक्साइड बिगिंस टू क्रिस्टलाइज, ठीक है, डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज होगा, डाइऑक्साइड जब क्रिस्टलाइज हो रहा होगा तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन? नो नो नो, इस ए पॉइंट के पीछे, ठीक है, अगर ये टेम्परेचर भी देख, इफ यू सी दिस टेम्परेचर ऑल्सो विच इज 1750 डिग्री सेल्सियस, हेयर ऑल्सो दिया एफ इक्वल टू 3, हेयर ऑल्सो एफ इक्वल टू 3, बिकॉज यहां से क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हुआ है, ठीक है, यहां से क्रिस्टलाइजेशन, देखो ये जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फेराइट है, तब व्हेन ओनली फॉस्फेराइट, व्हेन प्योर फॉस्फेराइट, व्हेन यू आर मेल्टिंग प्योर फॉस्फेराइट, ठीक है,
देखो सुनाई, व्हाट डू यू थिंक, ये रिएक्शन सही है? व्हाट शीतल हैज रिटन, माधुरी कैन यू टेल मी रिएक्शन सही है? ये लिक्विड प्लस फॉस्फेट इक्वल्स टू डाइऑक्साइड प्लस फॉस्फेट, डू यू थिंक? Do you think the phosphoride has started to be consumed at that point? तो रिएक्शन वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वैसा रिएक्शन होगा कि रिएक्टेंट्स में तुम फॉस्फोराइड लिख दो। अभी तो सब कुछ लिक्विड से फॉर्म हो रहा है ना, लिक्विड से सब कुछ क्रिस्टलाइज हो रहा है, राइट? शीतल समझ में आ रहा है? लिक्विड से सब कुछ क्रिस्टलाइज हो रहा है ना? पेरिटेक्टिक रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि द रिएक्टेंट वॉज, आई मीन द सॉलिड वॉज ऑल्सो रिएक्टिंग विद द लिक्विड, ठीक है? लेकिन यहां पर अभी कोई पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो ही नहीं रहा है ना? अब यहां पे सब यूटेक्टिक रिलेशन है, ठीक है? तो फॉस्फोराइड कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है? एवरीथिंग विल बी फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड। तो लिक्विड वन, व्हाटएवर द लिक्विड इज एट दिस प्लेस, गिव्स फॉस्फोराइड प्लस डाइऑक्साइड प्लस अनदर लिक्विड ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन विच इज बी कॉल्ड एज लिक्विड टू। ये रिएक्शन सही लग रहा है, ठीक है? इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फेजेस कितने हो गए? व्हाट आर द नंबर ऑफ फेजेस एट दिस पॉइंट? एट डी 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 1, एंड देन यू आर कंस्ट्रेंड टू फॉलो व्हाट दिस प्रोटेक्टेड लाइन, ठीक है? इस लाइन को ही फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड यू विल रीच टिल दी यूटेक्टिक, ठीक है? यहां पर यूटेक्टिक पे तो जाएगा ही जाएगा रिएक्शन, ठीक है? सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, है ना? यूटेक्टिक में हमेशा यूटेक्टिक पे जाता है फाइनली एक और जो मिनरल है उसे क्रिस्टलाइज करने के लिए, राइट? उससे पहले रिएक्शन नहीं बंद होता, है ना? तो क्या होगा? एट बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, टोल्ड यू जस्ट नाउ। P इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 3 इन टर्नरी डायग्राम, C इक्वल टू 3, राइट? ये तो पता ही है ना। तो 3 माइनस 3 प्लस 1, 1 हो गया। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इट विल बी कंस्ट्रेंड टू फॉलो द कोटेक्टिक टुवर्ड्स द यूटेक्टिक व्हिच इज पॉइंट एम, और फिर जब वो पॉइंट एम पे जाएगा तो अब रिएक्शन बताओ क्या होगा? टेल मी द रिएक्शन नाउ। हाँ,
हाँ ये बात है, मेल्ट खत्म हो जाएगा ना, मेल्ट खत्म हो जाएगा तो फिर रिएक्शन उसी तरह से लिखो कि लिक्विड नहीं बचेगा एंड में, ठीक है, सही है, रिएक्शन सही है तुम लोगों का, लेकिन इफ इफ द रिएक्शन इज आस्क्ड यू विल राइट द फाइनल रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, तो लिक्विड एट द यूटेक्टिक विल फिनिश, तो क्या होगा, लिक्विड वन से केवल एंड में क्या बचेगा, फॉस्फेट प्लस डाइऑक्साइड प्लस एनोथेन, ठीक है, लिक्विड टू भी बनेगा बट जस्ट राइट द फाइनल रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो लिक्विड टू नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, लिक्विड वन और यू कैन से द लिक्विड एट दैट पॉइंट विल गिव फॉस्फेट प्लस डाइऑक्साइड प्लस एनोथेट, ठीक है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड तो अब बचा नहीं है तो प्रोडक्ट में आएगा भी नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकालना है लिक्विड का, लिक्विड और सॉलिड का परसेंटेज एट ईच इंस्टेंट कैसे निकलेगा, सपोज दी क्रिस्टलाइजेशन हैज जस्ट रीच दिस पॉइंट, ठीक है, जो लिक्विड है वो यहां पहुंचे, तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड दिस लेंथ विल रिपीट, यस देर विल बी फोर फेजेस इन द बिगिनिंग, ओके, जब फोर फेजेस होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो देन द रिएक्शन विल प्रोसीड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट द यूटेक्टिक, ठीक है, इट इज एन इनवेरियंट पॉइंट बिकॉज ऑफ द फोर फेजेस, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, एक डिसकॉन्टिन्यूस, दिस इज द रिएक्शन विच इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, ये तो पता चल गया ना, ये जो भी समझ में आ रही है ना कि ये रिएक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है ना, तो यहां पर फोर फेजेस अभी प्रेजेंट है, तो फिर द रिएक्शन विल कैरी ऑन एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट द यूटेक्टिक, एट द टर्नरी यूटेक्टिक ओनली, इट विल नॉट मूव, ठीक है, फिर तो उसके बाद लिक्विड खत्म ही हो जाएगा एंड दी कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल दी फेजेस विल ऑल्सो बी फिक्स्ड, ठीक है, तो फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा, अच्छा यहाँ पे जो जो सॉलिड बना है, जो रॉक बना है, उसका फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा, एग्जैक्टली बल के बराबर ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ, तो दिस इज दी परसेंटेज ऑफ लिक्विड एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ सॉलिड, ठीक है, अगर यहां तक हुआ होता तो ये सॉलिड का परसेंटेज होता, तो पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए पे जस्ट 1% या फिर 0.1% या फिर कुछ भी, वॉट एवर, इफ इफ इट हैज नॉट स्टार्टेड टू क्रिस्टलाइज, ओके, देन इट इज 0% सॉलिड, ठीक है, जस्ट मूव करें तो बस वहीं से 0.1% से शुरू होगा, फिर 1%, 2%, 3% इस तरह से क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है, राइट, फिर यहां पर जब पहुंच जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा सॉलिड का कॉम्पोजिशन, अब सॉरी नॉट कॉम्पोजिशन, परसेंटेज, ठीक है, फिर क्या होगा, यहां पर इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू क्रिस्टलाइज डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड जैसे क्रिस्टलाइज करना शुरू करेगा इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, द लिक्विड विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, जैसे इस साइड मूव करेगा व्हेन वी कनेक्ट
दिस पॉइंट विद ए, इट विल लीव द फॉस्टराइट कॉर्नर एंड बी एट सम दिस पॉइंट ऑन द फॉस्टराइट एंड डायोफ्राइट एज, राइट? है ना, जैसे थोड़ा सा भी मूव करेगा तो भी ये एज, द एज विल, इट विल लीव द कॉर्नर एंड इट विल जॉइन द एज, राइट? समझ रहे हो ना, बस इस लाइन को यू हैव जस्ट रोटेटेड द लाइन अ लिटिल बिट, ठीक है, बहुत ही कम भी घुमाया, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, थोड़ा सा ही डायोफ्राम डिस्प्लेस करा, यू हैव रोटेटेड द लाइन एंड इस पॉइंट को फिर ए से कनेक्ट करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और ये फॉस्फेट और डायोफ्राइट एज पे कनेक्ट करना है, ठीक है, देन दिस पॉइंट विल टेल अस द परसेंटेज ऑफ व्हाट द डायोफ्राइट एंड फॉस्फेट, ठीक है, कितना डायोफ्राइट बना है, कितना फॉस्फेट बना है, उसका परसेंटेज हमें मिल जाएगा. पॉइंट बी पे क्रिस्टलाइज करना शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है, इसे इट हैज स्टार्टेड टू क्रिस्टलाइज, ठीक है, एट पॉइंट बी द नंबर ऑफ फेजेस इज 3, ठीक है, मतलब देखो तुमसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि हाँ इट जस्ट स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा परसेंटेज, अब बताओ इसमें 0.1 और 0.001, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, एकदम ही 0.00001% से शुरू होगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा ना, है ना, समझ में आ रहा है ना, चलो अच्छा इधर देखो, ये लाइन देखो, ये डायग्राम देखो, इस पॉइंट पे जब बी पॉइंट पे गया वो ए, तो ये है लाइन, ठीक है, इट इज कनेक्टिंग फॉस्फेट एट द कॉर्नर, ठीक है, जब तक वो क्रिस्टलाइज करना नहीं शुरू किया, ठीक है, जस्ट जस्ट बिफोर बी, लेकिन बी पे जैसे ही पहुंचेगा इट विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज एंड मूव टुवर्ड्स द साइड, मूव टुवर्ड्स द यूटेक्टिक, ठीक है, साइमल्टेनियस है, क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगा उधर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि बट इफ इट इज आस्क्ड दैट एट पॉइंट बी व्हाट विल द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यू हैव टू कंसीडर 3 फेजेस, राइट, डायोफ्राइट को भी कंसीडर करना होगा बिकॉज यू आर स्टैंडिंग एट द यूटेक्टिक, ठीक है, मतलब आई मीन एट द कोटेक्टिक, सो कोटेक्टिक पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, लिक्विडस सरफेस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, बट बिफोर द क्या कहते हैं द बल्क कॉम्पोजिशन, इफ इफ द टेम्परेचर इज अबव द बल्क कॉम्पोजिशन तब क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3, ठीक है, जब क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना शुरू होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ है, ए से शुरू हुआ है ना, तो देखो एक और चीज सुन लो, अभी ये पढ़ाकर, ये डायग्राम पढ़ाकर वी स्टार्ट अनदर क्लास एट 12:30, ठीक है, आज वी हैव टू, आज सारा टर्नरी खत्म हो जाएगा, ठीक है, 12:30 पे एक और क्लास है, ठीक है ना.
तो देखो क्या हो रहा है, फिजिक्स का एग्जाम, अच्छा वो, अरे कोई नहीं है, कोई नहीं, पढ़ लोगे तुम, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही है। चलो तो अब सुनो, यहां तक फॉस्फेराइट क्रिस्टलाइज कर रहा था और डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज नहीं कर रहा था यहां तक, ठीक है, एट जस्ट दी, अब जब तक यहां पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन अभी तुम क्या लाइन ज्वाइन कर रहे हो ना, यहां से इस कॉर्नर का ए पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर रहे हो और इसको सीधे यहां से ज्वाइन कर रहे हो, बट जब समझ लो, आई वॉज टेलिंग अबाउट जस्ट दिस, अब अगर समझ लो यहां तक मूव कर गया, ठीक है, इस पॉइंट तक क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो कुछ डायोक्साइड क्रिस्टलाइज कर चुका है, फॉस्फेराइट तो क्रिस्टलाइज कर ही चुका है ना, तो देयर वुड बी सम परसेंटेज ऑफ डायऑक्साइड, सम परसेंटेज ऑफ फॉस्फेराइट, सम परसेंटेज ऑफ लिक्विड, राइट, सब कुछ होगा, वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे पता करेंगे, लिक्विड का परसेंटेज इस लाइन से पता करेंगे, लिक्विड एंड सॉलिड का कॉम्पोजिशन इस पॉइंट पे पता करेंगे ऑन दिस लाइन, ठीक है, जब वो यहां पे होगा तो इस लाइन से करेंगे, जब वो यहां पे है तो इस लाइन से करेंगे, जब यहां पे है तो इस लाइन से करेंगे, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी, यहां पे देखो एम को ज्वाइन कराइए, लिक्विड ज्वाइन एम, लाइन से करेंगे, और यू कैन थिंक ऑफ इट एज दिस प्लेन विच इज बैलेंस्ड ऑन दी बल्क कॉम्पोजिशन विच इज एक्टिंग एज दी फल्क्रम, ओके, तो जहां पे भी होगा, यहां पे लिक्विड होगा तो ये होगा, यहां पे लिक्विड होगा तो सॉरी ये होगा यहां पे, ठीक है, तो जैसे ही ये आगे मूव करेगा तभी तो ये इधर आएगा ना, ये वाली लाइन है ना, ठीक है, तो मतलब कि जब तक वो बी पॉइंट पहुंचा था फॉस्फेराइट ही था केवल, ठीक है, इट वाज 100% फॉस्फेराइट, ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ा तो फिर लाइन इधर जाती है ना, इस पॉइंट से अगर ए को कनेक्ट करते हुए व्हेन यू विल एक्सटेंड द लाइन इट विल कट दी डायऑक्साइड एंड फॉस्फेराइट एज, राइट, सही है ना, ये चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है, तो हम सॉलिड और लिक्विड का परसेंटेज कैसे चेक करते हैं, यहां पे जब इस लाइन पे तो पता चल गया था, ब्लू लाइन पे मैंने बताया क्या है, जब ये रेड लाइन पे है तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ लिक्विड एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ सॉलिड, लिक्विड परसेंटेज तो और भी कम होगा ना, जब इधर से जाएगा इस लाइन पे मूव करेगा तो और भी कम होगा, तो देखो कम हो रहा है ना, पहले इतना था, पहले इतना था अब इतना है ना, और जो डाइऑक्साइड ऑफ फॉस्फेराइड का कॉम्पोज जो परसेंटेज है वो कहां से पता चलेगा, दिस इज द परसेंटेज ऑफ डाइऑक्साइड एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ फॉस्फेराइड, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पता चल रहा है कि फॉस्फेराइड ज्यादा बन चुका है, ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट हो चुका है उसका क्रिस्टलाइजेशन, तो और ऑब्वियसली यू नो दैट ये फल्क्रम है और फॉस्फेराइड का वेट ज्यादा ही होगा, ठीक है ना, तो करा क्या, अब देखो यहां पर, यहां से अगर सीधे निकाल दोगे, अगर सीधे निकाल दोगे तो फिर ऐड करके 100% आ जाएगा ना, है ना, ये अगर परसेंट फॉस्फेराइड का है, ये डाइऑक्साइड का है तो ऐड करके 100% आ जाएगा, है ना, तो
तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता, लिक्विड भी है राइट। तो जितना परसेंटेज सॉलिड का निकला है, ठीक है, इतना परसेंटेज सॉलिड का निकला है, उसमें उस सॉलिड में उनका रेशियो ये होगा। बात समझ में आई नहीं है? इज एवरीथिंग क्लियर राइट? वट एवर इज द परसेंटेज ऑफ सॉलिड हेयर इन दिस सॉलिड, द रेशियो विल बी दिस। और यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोराइट इन दिस सॉलिड विच इज दिस देखो इससे तो यार कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, आज तक नहीं आया, ठीक है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक इससे, और चांसेस भी कम है कि आएगा, ठीक है, बट वी आर स्टडिंग, क्योंकि वो तो कुछ भी सकता है ना? तो जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है, दैट मेनली कम्स फ्रॉम दी बाइनरी डायग्राम्स, ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं टर्नरी से, बट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है, कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, ठीक है, और अगर मुझे गेट में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आई विल टेक दैट एग्जाम्पल, ठीक है। इन जाम दे हैवन आस्क्ड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दी अच्छा चलो ठीक है, मैं लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले लो लेंथ, समझ लो, समझ लो, ठीक है, ये लेंथ है कितनी, दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट, ठीक है, और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, 6 यूनिट, ठीक है, इतना है, तो 60% क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी 60% सॉलिड, ठीक है, 60% सॉलिड होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 60% सॉलिड है, तो इस उस 60% में दिस परसेंटेज विल बी ऑफ डाइऑक्साइड एंड दिस परसेंटेज विल बी ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, तो समझ लो, अब ये है, दिस इज 3, सपोज दिस इज 3, दिस इज 7, ठीक है, तो रेशियो ऐसा है, रेशियो अगर ऐसा है तो क्या होगा, फॉर द फॉस्फेराइट विल व्हाट विल डू, 7/10 व्हिच इज द सम ऑफ द रेशियो इनटू 60, ठीक है, क्या हो गया 42, 42% राइट, बाकी कितना बचा, 18% विच विल बी डाइऑक्साइड, ठीक है, 42% फॉस्फेराइट है, 18% डाइऑक्साइड है, टोटल कितना हुआ 60%, और 40% क्या बचा, लिक्विड। तो फाइनल कॉम्पोजिशन सब सब चीज का कॉम्पोजिशन क्या होगा, 40% लिक्विड है, ठीक है, 60% सॉलिड है, जिसमें कि 42% इज फॉस्फेराइट एंड 18% इज डाइऑक्साइड, ठीक है, अभी क्लियर बाकी फिर यहां पे जाएगा और डाइऑक्साइड बन जाए, मतलब एनऑर्थिक क्रिस्टलाइज कर जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट। एक और चीज और सुन लो, इस पॉइंट पे, जस्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, एज इट इज मूविंग फॉरवर्ड एकदम ही इसी इंस्टेंटेनियस टाइम में, मतलब ठीक है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट पे, है ना, व्हेन द मूवमेंट इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है, तो उस टाइम पे कितना फॉस्फोराइट और कितना डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज कर रहा होगा एट दैट इंस्टेंट इज कॉल्ड
बल्क मिनरल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड द बल्क मिनरल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये देखो, एट दिस पॉइंट, अभी देखो यहां से तो यहां तक आते आते तो फॉस्फेट तो बहुत सारा क्रिस्टलाइज कर चुका है, ठीक है ना, तो फॉस्फेट तो ज्यादा होगा, बट एट जस्ट दिस इंस्टेंट व्हेन द डायऑक्साइड हैज स्टार्टेड टू क्रिस्टलाइज, ठीक है, पुराना जो फॉस्फेराइट है वो हम नहीं देखेंगे अभी, ठीक है, हमें ये देखना है कि अब इस पाथ पे कितना फॉस्फेराइट क्रिस्टलाइज कर रहा है और कितना डायऑक्साइड क्रिस्टलाइज कर रहा है एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बल्क मिनरल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम यहां पर किसी भी पॉइंट पे तुम रहोगे वहां से हम एक टेंजेंट खींचते हैं, ड्रॉ टेंजेंट एंड दिस पॉइंट सी इट विल टेल यू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डाइऑक्साइड व्हिच इज क्रिस्टलाइजिंग व्हिच विल बी दिस टिल एफओ, ठीक है, और ये दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ फॉस्फेराइट व्हिच विल बी क्रिस्टलाइजिंग जस्ट एट दिस मोमेंट, ठीक है, जहां से भी टेंजेंट तुम खींचोगे, ठीक है, इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे अगर खींचोगे तो एक कोई वैल्यू होगी एंड दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस क्रिस्टलाइजेशन व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बल्क मिनरल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम मेल्टिंग पता है कैसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी एकदम, है ना, एग्जैक्टली द ऑपोजिट, ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में एवरीथिंग द बल्क कंपोजिशन विल चेंज कॉन्टिन्यूअसली एंड द फाइनल रॉक विच विल बी फॉर्म्ड विल हैव द कंपोजिशन एट द यूटेक्टिक, ठीक है, सही बात है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में यूटेक्टिक में यही होता है ना, जो फाइनल रॉक बनता है वो द कॉम्पोजिशन इज एट द यूटेक्टिक, राइट, तो हर पॉइंट पे फॉस्फेराइट विल द क्रिस्टल्स विल लीव द लिक्विड, है ना, तो कॉम्पोजिशन चेंज होता रहेगा, ठीक है, लिक्विड का कॉम्पोजिशन वही रहेगा जो जो इस पॉइंट पे है, ठीक है, बिकॉज फॉस्फेराइट उससे क्रिस्टलाइज तो हो ही चुका है ना, ठीक है, अब चाहे फॉस्फेराइट रहे चाहे ना रहे, है ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लिक्विड से फॉस्फेराइट तो वैसे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, हाँ एकदम एग्जैक्टली सेम बात होगा, पाथ तो सबका ही सेम होगा, ठीक है, बस फाइनल कॉम्पोजिशन क्या है और बीच में कॉम्पोजिशन कैसे हो रहे हैं वो थोड़ा डिफर करता है, ठीक, पाथ सेम होगा, ठीक है, यू कैन से इन फ्रैक्शन मेल्टिंग एंड टेलिंग यू द पाथ थोड़ा सा और एक्सटेंड कर जाता है, नहीं, इन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द रॉक विच इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट विल हैव द कॉम्पोजिशन एट द यूटेक्टिक, ठीक है, वो कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे, देख लो ये सब है ना, ये पता है, ठीक है, ये सारे परसेंटेजेस हम निकालते हैं, है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50
कि अराउंड 50% डाइऑक्साइड है ना, और ऐसे ऐसे कुछ कुछ होगा है ना, तो ये अराउंड कितना है, ये अराउंड 10% इट इज फॉस्फेट, ठीक है। तो यही होगा कॉम्पोजिशन लास्ट उसका, ठीक है, बिकॉज लिक्विड, बिकॉज सॉलिड्स तो निकल रहे हैं ना उसमें से, सॉलिड्स निकल जाएंगे, क्योंकि फाइनल देखो, फाइनल अगर कॉम्पोजिशन अगर तुम ये चाहते हो, इफ यू वॉन्ट दिस टू बी द फाइनल कॉम्पोजिशन, तुम्हें पूरा फॉस्फोराइट उसमें रखना पड़ेगा ना, जितना कि तुमने क्रिस्टलाइज करा है, राइट। लेकिन अगर फॉस्फोराइट निकलता जा रहा है और डाइऑक्साइड भी क्रिस्टलाइज होकर निकलता जा रहा है, तो फिर वो फाइनल कॉम्पोजिशन कैसे होगा जो बल्क कॉम्पोजिशन होगा, नहीं होगा है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शनल मेल्टिंग में क्या हुआ, जो कि इस पॉइंट का कॉम्पोजिशन इन केस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज होता रहेगा ना, जो भी लिक्विड फॉर्म हुआ है वो निकल जाएगा, जो भी सॉलिड फॉर्म हुआ है निकल जाएगा, निकल जाएगा, उस सॉलिड का कुछ कॉम्पोजिशन होगा, उस जो निकल रहा है उस सॉलिड का कुछ कॉम्पोजिशन होगा, तो फाइनली यहां पर जो सॉलिड बनेगा उसका कॉम्पोजिशन वही होगा जो कि यूटेक्टिक का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। मेल्टिंग के केस में क्या होगा, मेल्टिंग के केस में सबसे पहले मेल्ट होना शुरू होगा क्या, एनर्थिंग, तो सब मेल्ट होना शुरू होंगे, ठीक है, मेल्ट होना शुरू होंगे सारे, एनर्थाइट विल बी मेल्टेड फर्स्ट, ठीक है, मेल्ट भी निकल जा रहा है, ठीक है, एनर्थाइट सारा निकल गया मेल्ट होके, नहीं, एनर्थाइट, एनर्थाइट सबसे पहले खत्म होगा बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एट द लास्ट, राइट, फॉर दिस बल्क कॉम्पोजिशन, नहीं, उससे उससे नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द बल्क कॉम्पोजिशन व्हाट मिनरल विल क्रिस्टलाइज फर्स्ट, ठीक है। ऐसे तो यहां पर पहुंचा तो यहीं पे क्रिस्टलाइज करना शुरू कर देना चाहिए था, बिकॉज इट हैज द आई मीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस, राइट, तो टेम्परेचर तो यहीं पे पहुंच गया ना, वो तो बहुत ही कम हो गया टेम्परेचर जितना यहाँ पे है इसका टेम्परेचर, लेकिन वो यूटेक्टिक पे ही क्रिस्टलाइज करता है बिकॉज है, तो मेल्टिंग भी वही होगा ना, उल्टा होगा एग्जैक्टली लाइक द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के केस में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन के केस में ये होगा, आई मीन मेल्टिंग के केस में, मेल्टिंग यहां पर जब मेल्टिंग होगी तो एनोर्थाइट का जो मेल्ट है, द मेल्ट विच इज द एनोर्थाइट विच मेल्टेड दैट विल, और भी सब साथ में मेल्ट करेगा, ठीक है, डायोक्साइड एंड फॉस्फेट विल आल्सो मेल्ट, ठीक है, तो जो वो मेल्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है, तो एनोर्थाइट तो सबसे पहले खत्म हुआ है तो वो तो सारा निकल जाएगा है ना, अब बचा क्या, डायोक्साइड और फॉस्फेट, ठीक है, मतलब सारे मेल्ट करने शुरू हुए थे, ठीक है, एक रॉक था, सब मेल्ट कर रहे थे साथ में ही थोड़े थोड़े, ठीक क्रिस्टलाइजेशन सबसे एंड में हो रहा है तो मेल्ट भी तो सबसे पहले होगा ना, क्रिस्टलाइजेशन सबसे लेट हो रहा है मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है इस केस में अभी,
ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बल्क कंपोजिशन एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्निंग डायग्राम, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ डायऑक्साइड एनऑक्साइड एंड फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है, तो क्या था कि एक रॉक रॉक था, उसमें सब कुछ मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, बट एनऑर्थाइड हैज मेल्टेड फर्स्ट, ठीक है, सारा मेल्ट हो गया सबसे पहले, ठीक है, सब मेल्ट हो रहे थे, लेकिन ये है तीन पार्ट है समझ लो एनऑर्थाइड का, और ये तीनों डायऑक्साइड एंड फॉस्फेट, ठीक है, सब मेल्ट होने होने शुरू हो, ठीक है, लेकिन एनऑर्थाइड सारा मेल्ट हो गया और डायऑक्साइड थोड़ा बचा और फॉस्फेट इतना बचा हुआ, ठीक है, इतना मेल्ट निकल गया, ठीक है, अब क्या है, केवल डायऑक्साइड और केवल फॉस्फेट, ठीक है, नाउ इट विल मूव, ठीक है, अब वो इधर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, एज सून एज ऑल द डायऑक्साइड इज मेल्टेड इट विल लीव द प्रोटेक्टिव कर्व एंड मूव टुवर्ड्स द फॉस्फेट कॉर्नर, ये होगा, ठीक है, लेकिन क्या है, डायऑक्साइड जब मेल्ट कर जाएगा सारा, अब नॉट डायऑक्साइड हैज ऑल्सो मेल्टेड एंड इट हैज ऑल्सो गॉन आउट, है ना, अब इतना निकल के बाहर चला गया, एवरीथिंग हैज गॉन, और अब ये इतना जो फॉस्फेट बचा हुआ है बस, ठीक है, इतना फॉस्फेट बचा है मेल्ट में, ठीक है, तो ये तो प्योर फॉस्फेट है ना, प्योर फॉस्फेट है कि नहीं है, क्योंकि जो एनऑर्थाइड था लिक्विड में निकल गया सारा मेल्ट होके, जो डायऑक्साइड था वो भी मेल्ट हुआ जब पूरा हुआ तो वो भी निकल गया, तो अब जो बचा है वो केवल फॉस्फेराइट ही है ना, जो क्रिस्टल जो है केवल केवल फॉस्फेराइट है, ठीक है, तो अब क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट द फॉस्फेराइट, और जो आखिरी मेल्ट है वो यहां पे जाके मेल्ट होगा, Why? Because nothing is left to hinder or you can say influence the melting point of phosphorite. बात क्लियर है? अभी और कुछ है ही नहीं, जब तीनों साथ में थे तब तो यहां पे melting point यहां पे था ना, अभी तो कुछ है ही नहीं, तो फिर यहीं पे होगा ना melting point, है ना,